दोस्तों आप जब भी जर्मन शेफर्ड का पप्पी अडॉप्ट करने के लिए जाएंगे तो जैसे ही आप पेट शॉप पे जाएंगे तो जो पेट शॉप वाले होंगे वो आपको दो तरीके का जर्मन शेफर्ड दिखाएंगे, एक एंगुलेशन वाला जर्मन शेफर्ड दिखाएंगे, एक नॉन एंगुलेशन वाला जर्मन शेफर्ड दिखाएंगे। अब दोस्तों ये सब तो देख के आप बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। अब आप सोचेंगे कि हम इन दोनों में से कौन सा जर्मन शेफर्ड लें, ये एंगुलेशन वाला जर्मन शेफर्ड लें कि नॉन एंगुलेशन वाला जर्मन शेफर्ड लें। तो दोस्तों इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एंगुलेशन और नॉन एंगुलेशन में से कौन सा जर्मन शेफर्ड सबसे ज्यादा अच्छा होता है, ताकि दोस्तों इन फ्यूचर अगर आप कभी भी जर्मन शेफर्ड का पप्पी अडॉप्ट करने के लिए जाएं तो आपके दिमाग में किसी भी तरीके का कंफ्यूजन न रहे। तो चलिए दोस्तों जरा टाइम न वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आप एंगुलेशन और नॉन एंगुलेशन के बीच का एक छोटा सा डिफरेंस जान लीजिए, और दोस्तों ये डिफरेंस जानने के बाद आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि एंगुलेशन और नॉन एंगुलेशन में से कौन सा जर्मन शेफर्ड सबसे ज्यादा अच्छा होता है। तो दोस्तों जो पहला डिफरेंस है वो ये है कि जो एंगुलेशन वाले जर्मन शेफर्ड होते हैं उनकी जो रीढ़ की हड्डी होती है वो नीचे की तरफ झुकी हुई होती है, एकदम से कर्व शेप में होती है। वही दोस्तों अगर हम बात करें नॉन एंगुलेशन जर्मन शेफर्ड की तो उनकी जो रीढ़ की हड्डी होती है वो स्ट्रेट होती है, एकदम से सीधी होती है। तो दोस्तों अगर आप एक नॉन एंगुलेशन वाला पप्पी खरीदेंगे तो वो पप्पी जब बड़ा होगा तो उसकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रहेगी, एकदम स्ट्रेट होगी। वहीं दोस्तों अगर आप एंगुलेशन वाला पप्पी खरीदेंगे तो वो पप्पी जब बड़ा होगा तो उसकी रीढ़ की हड्डी नीचे की तरफ झुकी हुई होगी, एकदम से कर्व शेप में होगी। अब दोस्तों जो दूसरा डिफरेंस है वो ये है कि जो एंगुलेशन वाले जर्मन शेफर्ड होते हैं उनको हिप डिप्लेसिया होने के चांस ज्यादा होते हैं। वही दोस्तों बात करें नॉन एंगुलेशन वाले जर्मन शेफर्ड की तो जो नॉन एंगुलेशन वाले जर्मन शेफर्ड होते हैं उनको हिप डिप्लेसिया होने के बहुत ही कम चांस होते हैं। अब दोस्तों जो तीसरा डिफरेंस है वो ये है कि जो एंगुलेशन वाले जर्मन शेफर्ड होते हैं उनका मेंटेनेंस का खर्चा बहुत ही ज्यादा होता है, क्योंकि दोस्तों जो एंगुलेशन वाले जर्मन शेफर्ड होते हैं उनकी जो रीढ़ की हड्डी होती है वो नीचे की तरफ झुकी हुई होती है, और इसी की वजह से दोस्तों उनका जो पिछला दोनों पैर होता है वो उनके आगे वाले दोनों पैर से बहुत ही ज्यादा वीक होता है, और इसी की वजह से दोस्तों उनको टाइम टाइम पे कैल्शियम जरूरत पड़ती है और टाइम टाइम पे मल्टीविटामिन्स की जरूरत पड़ती है और भी दोस्तों एक्स्ट्रा सप्लीमेंट की जरूरत पड़ती है उनके डॉग फूड में। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें नॉन एंगुलेशन वाले जर्मन शेफर्ड की तो जो नॉन एंगुलेशन वाले जर्मन शेफर्ड होते हैं उनको ज्यादा एक्स्ट्रा सप्लीमेंट की भी जरूरत नहीं पड़ती, और दोस्तों जो नॉन एंगुलेशन वाले जर्मन शेफर्ड होते हैं उनका मेंटेनेंस का खर्चा भी बहुत ही ज्यादा कम होता है। अब दोस्तों जो चौथा डिफरेंस है वो ये है कि जो एंगुलेशन वाले जर्मन शेफर्ड होते हैं वो बहुत ही ज्यादा महंगे होते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें एंगुलेशन वाले जर्मन शेफर्ड की तो उनका दोस्तों जो मिनिमम प्राइस होता है वो होता है 25,000 रुपए, और दोस्तों उनका जो मैक्सिमम प्राइस होता है वो होता है 50,000 रुपीज, मतलब कि 50,000 रुपए। वही दोस्तों अगर हम बात करें नॉन एंगुलेशन वाले जर्मन शेफर्ड की तो जो नॉन एंगुलेशन वाले जर्मन शेफर्ड होते हैं उनका मिनिमम प्राइस सिर्फ 5,000 रुपए होता है। वही दोस्तों अगर हम बात करें मैक्सिमम प्राइस की तो उनका जो मैक्सिमम प्राइस होता है वो होता है सिर्फ 20,000 रुपए। अब दोस्तों जो पांचवा डिफरेंस है वो ये है कि जो एंगुलेशन वाले जर्मन शेफर्ड होते हैं वो अपने नॉर्मल साइज से बहुत ही ज्यादा लंबे चौड़े होते हैं, और दोस्तों वो दिखने में बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव भी लगते हैं। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें नॉन एंगुलेशन वाले जर्मन शेफर्ड की तो जो नॉन एंगुलेशन वाले जर्मन शेफर्ड होते हैं वो अपने नॉर्मल साइज के ही होते हैं, और दोस्तों जो नॉन एंगुलेशन वाले जर्मन शेफर्ड होते हैं वो दिखने में उतना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम फाइनली बात कर लेते हैं कि एंगुलेशन और नॉन एंगुलेशन में से कौन सा जर्मन शेफर्ड सबसे ज्यादा अच्छा होता है। तो दोस्तों देखिए वैसे तो दोनों ही जर्मन शेफर्ड बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि दोस्तों दोनों ही जर्मन शेफर्ड बहुत ही ज्यादा अच्छे गार्ड डॉग होते हैं और दोनों ही जर्मन शेफर्ड बहुत ही अच्छे फैमिली डॉग भी होते हैं। लेकिन दोस्तों ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके का जर्मन शेफर्ड चाहिए। दोस्तों अगर आपको एक ऐसा जर्मन शेफर्ड चाहिए जो दिखने में बहुत ही ज्यादा लंबा चौड़ा हो और बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव हो, या फिर दोस्तों अगर आपको अपने डॉग को डॉग शो पे लेके जाना है और अपने डॉग को डॉग शो विन कराना है, अपने डॉग को चैंपियन बनाना है, तो आप डेफिनेटली आप एक एंगुलेशन वाला जर्मन शेफर्ड ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको एक नॉर्मल जर्मन शेफर्ड चाहिए, सिर्फ अगर आपको एक गार्डिंग पर्पस के लिए जर्मन शेफर्ड चाहिए, तो आप एक नॉन एंगुलेशन वाला जर्मन शेफर्ड ले सकते हैं। बाकी दोस्तों देखिए सबका अपना अपना टेस्ट होता है, जैसे कि कार तो बहुत सारे होते हैं लेकिन कुछ लोग को फॉर्च्यूनर कार पसंद होता है, तो कुछ लोग को टाटा हैरियर कार पसंद होता है, और उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको वैगनार कार पसंद होता है। तो दोस्तों देखिए सबका अपना अपना टेस्ट होता है, तो कुछ लोग को एंगुलेशन वाला जर्मन शेफर्ड पसंद होता है तो कुछ लोग को नॉन एंगुलेशन वाला जर्मन शेफर्ड पसंद होता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके का जर्मन शेफर्ड लेना है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास मिलती रहे। बाकी मिलते रहेंगे हम ऐसे ही प्यारे प्यारे वीडियोस में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।